welcome to my channel. Today I'm doing dry arrangement. You can say a kind of dry arrangement. मैं आज जो है ड्राई अरेंजमेंट दोबारा से करूँगी, जिसको आप कहेंगे एक किस्म का ड्राई अरेंजमेंट. दैट इज़ नॉट बेसिकली अ ड्राई अरेंजमेंट बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग ड्राई फ्लावर्स इन दैट, बट सम न्यू थिंग्स फ्रॉम हाउस होल्ड, कुछ नई चीज़ें अपने ही घर की चीज़ों से. क्योंकि मैं इसमें जो है वो सूखे हुए पत्ते फूल वगैरह नहीं यूज़ करूँगी. फॉर दैट द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड आर जस्ट थ्री आइटम्स. जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें वो बस ये तीन आइटम्स हैं. दैट इज़ स्प्रे पेंट, अ डिश वॉशिंग वायर, स्टेनलेस स्टील डिश वॉशिंग वायर, नॉट द लोकल वन बिकॉज दैट विल हर्ट, बट दिस वॉन्ट हर्ट यू. और मैं जो है इसके लिए डिश वॉशिंग वायर जो है वो यूज़ कर रही हूँ. और ये जो है स्टेनलेस स्टील है, ये आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा इंशाल्लाह. एंड दिस बिग ट्री टॉप स्टेम, और ये जो है मैं ट्री टॉप स्टेम यूज़ करूँगी इसके लिए, दरख्त के ऊपर का हिस्सा. सो आई एम गोइंग टू स्प्रे पेंट इट विद गोल्डन स्प्रे पेंट. मैं इसे जो है गोल्ड स्प्रे पेंट से स्प्रे पेंट करूँगी. अबाउट दिस वायर I'm going to stretch it and cut it. मैंने इस वायर का क्या किया कि इसे स्ट्रेच किया और इसे काट लिया. Now I'm rolling them. अब मैं जो इसे हाथों में रोल कर करके लंबा लंबा सा बना ले रही हूँ. Now I have prepared lots of these. मैंने ये बहुत सारे तैयार कर लिए हैं. एंड आई एम गोइंग टू यूज़ कॉपर स्प्रे पेंट ऑन इट, और मैं इस पर कॉपर स्प्रे पेंट इस्तेमाल करूँगी. नाउ दे आर ड्राई. नाउ सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज टू अप्लाई हॉट ग्लू. अब आपने सबसे आसान तरीका क्या करना है कि इस पे हॉट ग्लू अप्लाई करनी है. ये सूख चुके हैं एंड जस्ट रैप इट ओवर, और फिर आपने इसको रैप कर देना है इसके. After that, it is ready. You just need a beautiful pot for that. Insert it. उसके बाद ये जब आप सारा रैप कर देंगे स्टैंड पर, ये रेडी हो जाए. आप इसको एक पॉट में इंसर्ट कर दीजिए, किसी भी गमले में डाल दीजिए, और ये तैयार है. टरा, इट इज़ रेडी, ये तैयार है. होप यू गाइज लाइक द ट्यूटोरियल. डोंट फॉरगेट टू कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. See you guys in next tutorial. Till then, Allah Hafiz.